दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल को रीसेट करना चाहते हैं? अगर आप अपने मोबाइल को पूरी तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि मोबाइल को पूरी तरह से फॉर्मेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हम अपनी मोबाइल किसी को बेच रहे होते हैं या फिर हम अपनी मोबाइल को ऑनलाइन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में मोबाइल को फॉर्मेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी डाटा जो है वो किसी और के हाथ न लग पाए। तो दोस्तों, कैसे फॉर्मेट करते हैं अपने मोबाइल को, इसके लिए आपको ओपन करना होगा अपने फोन में सेटिंग्स को। आप अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कीजिए और सेटिंग्स में आ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलता है अबाउट फोन का। मेरा फोन एमआई का है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। कुछ फोनों में जैसे यहाँ पे ये नीचे में एकदम से नीचे में हो सकता है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा ये ऑप्शन ऊपर में होगा या फिर यहाँ पे एकदम से नीचे में होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्लिक करते हैं अबाउट फोन पे, और अबाउट फोन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, अपने मोबाइल को फॉर्मेट करने से पहले आपकी फोन की जो डाटा है उसका चाहे तो आप बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर पे क्लिक करके मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके फोन में कोई जरूरी डाटा हो या फिर फोटो वीडियो, तो सबसे पहले उसे बैकअप ले लें, और बैकअप ले लेने के बाद यहाँ से हम आते हैं बैक। अपनी फोन को पूरी तरह से फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फैक्ट्री रीसेट पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इरेज ऑल डाटा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप अपने फोन की पैटर्न लॉक बनाइएगा, और इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे सेकंड चलने लगता है। यहाँ पे जैसे ये 6-5 हो रहा है, 0 हो जाने के बाद एक बार फिर से ये चलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद इसी तरह से सेकंड चलेगा, और 10 सेकंड के बाद ये मोबाइल खुद से स्विच ऑफ हो जाएगा। फिलहाल हम इसे यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, और 10 सेकंड के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने के बाद आपकी जब सारी डाटा डिलीट हो जाएगी, आपकी फोन जब फॉर्मेट हो जाएगी, तो वो खुद से आपकी फोन ऑन हो जाएगा। दोस्तों, मोबाइल को फॉर्मेट करते वक्त आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मोबाइल को फॉर्मेट कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा आपकी फोन की बैटरी कम से कम 30% चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जब फॉर्मेट होने लगता है और उस समय आपकी बैटरी बिल्कुल कम होती है, और उस कंडीशन में आपकी फोन की पूरी बैटरी जब खत्म हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि चार्ज में लगाने के बाद भी वो मोबाइल ऑन नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप फॉर्मेट कीजिएगा तो आप अपने फोन को 30% तक चार्ज कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्मेट कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेके आते रहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।